नमस्कार, सुजाता की रसोई से में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी दही पापड़ी चाट। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसे बड़ी आसानी से घर में बना सकते हैं, वो भी हाइजीनिक तरीके से, क्योंकि बाज़ार की चाट में हाइजीन की प्रॉब्लम रहती है। फ्रेंड्स, आप इसे मेरी तरह ही बनाइएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो चलिए देखते हैं इसे हम किस तरह से बनाएंगे। ये मैंने आधा किलो दही ली है, ये खट्टी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। और ये तीन मैंने आलू लिए हैं उबले हुए, इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। एक प्याज लिया, इसको भी बारीक काट लिया है। ये इमली सौंठ की चटनी है, ये घर में बनाई हुई है। और ये मैंने नमकीन सेव लिए हैं। ये लाल मिर्च पाउडर लिया है, ये काला नमक, और ये चाट मसाला है। ये नमक लिया है, ये भुना पिसा हुआ जीरा लिया है, ये धनिया पुदीने की चटनी है। ये फ्रेंड्स थोड़ी तीखी चटनी है। ये थोड़ा सा धनिया लिया है बारीक कटा हुआ। ये पापड़ियाँ हैं, इनको भी मैंने घर में बनाया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम दही को फेंट लेंगे, इस तरह से बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे फेंट करके। ये देखिए इस तरह की कर लिया हमने। अगर आपको घड़ी लगती हो तो आप थोड़ा पानी डाल सकते हैं इसमें। सबसे पहले प्लेट में हम पापड़ियों को बिछा लेंगे। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये घर की बनी हुई है। ये इस तरह से मैं कुछ पापड़ी बीच में भी तोड़ लेंगे। अब सबसे पहले हम इसमें आलू डालेंगे, ये उबले हुए। इस तरह से आलू डाल देंगे हम। अब ये हम दही डालेंगे। दही आपकी इच्छा है फ्रेंड्स, आप कितनी ज़्यादा डालना चाहें, कम डालना चाहें, लेकिन इसमें दही अच्छी लगती है काफ़ी। मैंने अच्छी तरह से कवर कर दिया है दही से। अब इसमें मैं प्याज डाल दूँगी बारीक कटी हुई। इसमें प्याज का भी टेस्ट बहुत ज़बरदस्त लगता है। अब ये हम इमली की चटनी डाल देंगे। इमली की चटनी का भी फ्रेंड्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, इसका लिंक भी। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है ये चटनी भी। ये देखिए कितनी गाढ़ी है और कितनी बढ़िया लग रही है। अब ये हम धनिया पुदीने की चटनी है फ्रेंड्स, ये डाल देंगे। चटनी हरी चटनी से भी ये बहुत ही बढ़िया लगती है चाट। अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देंगे। पहले नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। ये भुना पिसा जीरा डाल देंगे हम। और ये मैं काला नमक भी डाल दूंगी फ्रेंड्स, बहुत थोड़ा सा डालेंगे काला नमक, क्योंकि हमने सफ़ेद नमक भी डाला है और चाट मसाला भी डालेंगे इसमें। ये चाट मसाला भी डाल रही हूँ तो नमक उसी हिसाब से डालें, चाट मसाला में भी नमक होता है। अब ये लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं जितना तीखा खाना चाहें, क्योंकि हरी चटनी में भी काफ़ी मिर्च है। अब थोड़ा सा हम हरा धनिया भी डाल देंगे इसमें। खाने में भी अच्छा लगता है और देखने में भी बहुत सुंदर लगती है ये। और थोड़ी सी नमकीन भुजिया भी डाल देंगे। फ्रेंड्स, आपके पास अगर जीरो वाली नमकीन भुजिया है तो आप वो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो ये सिंपल वाली भी डाल सकते हैं जो घर में रहती है। दही पापड़ी की टेस्टी चाट बनकर एकदम तैयार है। ये बहुत ही बढ़िया बनी है। आपने देखा ये फ्रेंड दोस्तों कि हमने इसमें कितनी आसानी से और कितनी साफ़ सुथरी तरीके से बनाई है। और आप भी इसे मेरी तरह फॉलो करके बनाइएगा, आप सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी है, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।